लोकसभा चुनाव जरूर खत्म हो चुके हैं, लेकिन आपको धनबाद का पूरा दृश्य जरूर याद होगा। जो आमने सामने की टक्कर हम लोगों को देखने को मिली थी, बीजेपी के प्रत्याशी और अभी फिलहाल सांसद है डुल्लू महतो, और दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के रूप में पहली बार राजनीति में कदम रखने वाली अनुपमा सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। उन दोनों की टक्कर जरूर आपने देखी होगी, चाहे वो बोलचाल की भाषा में हो या फिर कार्यकर्ताओं के बीच में जोश की। अनुपमा जी, काफी एक अच्छा आपने टक्कर दिया वहां पर डुल्लू महतो को, और धनबाद की जनता ने काफी ज्यादा प्यार भी आपको दिया। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। धनबाद की जनता ने कम समय में जो मुझे प्यार दिया, ये काफी सराहनीय है। पर हमने इससे ज्यादा की उम्मीद की थी और किसी वजह से नहीं हुआ। इसके लिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे लगे रहेंगे और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। अब इस पूरे दौरान काफी कम समय मिला था चुकी आपको, क्योंकि नाम के अनाउंसमेंट काफी लेट हुई थी, लेकिन जब आप अलग अलग जगहों पर गए, पूरे विधा जो अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे धनबाद की, तो क्या कुछ परेशानियों को आपने देखा इस पूरे दौरे के बीच में, सभा के दौरान, रैलीज के दौरान? ऐसी कौन सी परेशानी थी जिसको देखकर आपको लगा कि नहीं, इसका समाधान सबसे पहले होना चाहिए? बिल्कुल, मैंने देखा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं काफ़ी परेशान थीं, जो कि सालों से, 10 साल से हमारी बीजेपी की सरकार है, पर सरकार कुछ कर नहीं पाई। शायद ये भी एक वजह है कि इन्हें धनबाद को वो लोग इग्नोर करते रहें, क्योंकि यहाँ से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। यही वजह है, और मैं चाहती थी कि उस आवाज़ को उठाने का काम हम लोग करें, जो कि नहीं हो पाया। तो मैं चाहूँगी, इसलिए मैं आज भी फील्ड में इसीलिए हूँ, ताकि जो भी बने हैं वो आवाज़ उठाएं और हमारे धनबाद लोकसभा के लिए काम कर सकें। मैम, धनबाद झारखंड के लिए एक तरीके से कहा जाए तो डायमंड के रूप में है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है सबसे ज़्यादा धनबाद में है, कोयलरी इलाका है, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं। आपको क्या लगता है वहाँ पर किस तरीके का और माहौल होना चाहिए, लोगों को रोज़गार वहाँ पर किस तरीके का मिलना चाहिए? बिल्कुल, वहाँ रोज़गार की काफ़ी कमी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, 10 साल से बीजेपी जिस तरह से निजीकरण करने का काम कर रही है, हमारे कांग्रेस के द्वारा दिए गए इतनी सारी फैक्ट्रियां और कंपनी बोकारो और धनबाद में जो है, पहले लोग पूरे भारत से लोग धनबाद काम करने आते थे, बोकारो काम करने आते थे, पर इस 10 साल में क्या हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हमारे बच्चे वहाँ से पलायन कर रहे हैं, लोग चेन्नई बुलाया जा रहा है, गुजरात बुलाया जा रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ ना अच्छे से शिक्षा दी जा रही है सेंटर के द्वारा, और ना ही रोज़गार दिया जा रहा है, ताकि हमारे बच्चों को वो कम पैसे में गुजरात भेज सके, चेन्नई भेज सके। और इसीलिए हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ काफ़ी उससे प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि उनके बच्चे, मैं जहाँ भी घूम रही थी सिर्फ महिलाएं थी, युवा लोग नहीं थे, और जो थे भी तो वो काफ़ी निराश थे। तो मैं यही चाहूँगी कि अभी सेंटर में फिर से बीजेपी की सरकार आई है, तो मैं चाहूँगी जिस तरह से 10 साल से आप इग्नोर कर रहे हैं, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मेरे ख्याल से आपको मिलती है, तो जिस तरह से धनबाद और बोकारो आपको रेवेन्यू देने का काम करती है, तो आपको भी इन रिटर्न कुछ देना चाहिए वहाँ के लोगों को। तो मैं चाहूँगी आपके माध्यम से, अभी जो हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो मैं सबसे ये निवेदन करूंगी कि आप ज़रूर देखें जिस तरह से लोग वहाँ एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट दिलवाने का काम करें। जिस तरह से वहाँ एम्स आते आते रह गया, तो उसमें भी मैं चाहूंगी कि हमारी सेंटर की सरकार ज़रूर देखे, क्योंकि लोग उसी आशा में बैठे हुए हैं, और शायद उसी आशा में वापस से उन्होंने एक बार फिर से ये रिस्क लिया, जो कि अब देखते हैं क्या होता है। अनुपमा जी, सबसे बड़ी बात है कि अन्नपूर्णा देवी अभी फिलहाल केंद्र में महिला बाल विकास विभाग की मंत्री बनी है, आपने महिलाओं का जिक्र किया है, तो उसको लेकर के उनसे अगर बातचीत होती है, तो आप किस चीज को सबसे ज्यादा हाईलाइट करिएगा, महिला के लिए हो, बच्चों के लिए हो, कौन से ऐसी चीज होगी?
बिल्कुल, मैं चाहूंगी अगर मैं उनसे मिल पाती हूँ तो मैं उनसे जरूर बात करूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं बिना किसी काम के बस बैठी रहती हैं, बेचारी वो यही सोच में बैठी रहती हैं कि 5 केजी अनाज आज मेरे बच्चे जो लाइन में लग के 5 केजी अनाज लाएंगे उसको हम लोग पूरे पूरा परिवार मिलके खाएगा और फिर कल वही वाला प्रक्रिया चलेगा कि फिर 5 केजी फ्री में जो अनाज। तो ये हमारा भारत का भविष्य नहीं है। मैं चाहूंगी कि उन औरतों को जरूर देखें और उनके लिए कुछ करें ताकि वो भी हमारे भारत देश के विकास के लिए वो भी भागीदारी कर सके और अपने परिवार के विकास के लिए वो भी कुछ कर सके। मैम, आज जो समीक्षा बैठक हुई, खास तौर पर ये समीक्षा बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुई थी, कि आखिर कहाँ चूक रह गई, तो आपको क्या लगता है कि धनबाद में कहाँ चूक रह गई आखिर? क्योंकि सभी ताकतें जो है वो आपने वहां पर लगाई थी, सब पूरी एक एक सभा, एक एक जगह आप गए, छोटे से छोटे गाँव में गए, सुदूर से सुदूर इलाके में गई, आखिर चूक कहाँ रह गई? बिल्कुल, अभी हमारी बैठक पूर्ण रूप से नहीं हुई है क्योंकि सिर्फ जिला अध्यक्ष लोगों से ही बात की थी उन्होंने, और अभी शाम को हमारी फिर बैठक है, फिर सुबह भी बैठक है, उसमें हम लोग बैठेंगे और पूरी कमेटी धनबाद की हम लोग सब बैठेंगे, हमारे प्रभारी भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, और फिर हम लोग देखते हैं कि कहाँ हमारी चूक रह गई। थोड़ी बहुत तो चूक रह गई है लेकिन सभी लोगों ने पूरी मेहनत की, तन मन धन से हर चीज़ से। वो लोग काफ़ी तत्पर थे, रात को रात नहीं देखते थे, सुबह को दोपहर को इतनी कड़ी तपती धूप में लू लग रहा था फिर भी एक दिन का रेस्ट नहीं लिया किसी ने। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी को धन्यवाद कहती हूँ, पर जो भी चूक रह गई है हम लोग कोशिश करेंगे, टीम के साथ बैठक करेंगे और इसको अगली बार दोबारा ना नहीं होने देंगे। आखिरी सवाल रहेगा मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था इस पूरे लोकसभा का? क्योंकि लोगों के बीच में था कि आप पहली बार राजनीति में आई हैं, लेकिन आप इसके पीछे जरूर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन और सभी चीजों के साथ जुड़ी रही और कल्याणकारी योजनाओं में अपना सहयोग देती रही हैं, ये एक्सपीरियंस कैसा था? ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मैं यही चाहूंगी, मुझे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ये प्रभार दिया है मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। थोड़ी चूक रह जाने की वजह से शायद निर्णय हमारे फेवर में नहीं आया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी, संगठन को और भी मजबूत करने की कोशिश करूंगी ताकि हमारा जो आगामी चुनाव है विधानसभा चुनाव, हम लोग 6 का 6 विधानसभा जीत सकें और हमारा संगठन और भी मजबूत हो। देखिए, तो ये थी हमारे साथ अनुपमा सिंह, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और जो एक्सपीरियंस और साथ ही साथ जो धनबाद की परेशानियां हैं जिससे ये इस पूरे लोकसभा चुनाव में रूबरू हुई जानी, और उन सारी चीजों को लेकर के उन्होंने आग्रह भी किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन सारी चीजों पर ध्यान दे, और साथ ही साथ अभी फिलहाल यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास विभाग की मंत्री है, तो उन सारी चीजों पर भी वो ध्यान दे जो कि झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर में बात करते हैं सहयोगी सुशील के साथ, में पूजा दुबे, 99 न्यूज़, रांची।